नू दंगे की एफआईआर कॉपी में बड़ा खुलासा। अटबर चौक पर 700 लोगों ने पुलिस को घेरा था, अल्लाहू अकबर के नारे के साथ पुलिस पर पत्थरबाजी की। दंगाइयों ने पुलिस वालों पर फायरिंग की, इंस्पेक्टर अनिल कुमार के पेट में गोली मारी, जान बचाने के लिए पुलिस ने की हवाई फायरिंग। नू हिंसा पर बोले सीएम खट्टर, कहा कि 2 होमगार्ड समेत 6 लोगों की जान गई थी। अब तक हिंसा के आरोपी 116 लोग अरेस्ट हुए हैं। सीएम खट्टर ने लोगों से शांति की अपील की, कहा कि पुलिस की 30 कंपनी और केंद्रीय सुरक्षा बलों की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। नू में हर चौराहे पर भारी सुरक्षा बल तैनात, जिले में धारा 144 लागू, संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती। नू हिंसा को लेकर कुल 40 एफआईआर दर्ज हुए हैं, कई नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के नाम, दोनों समुदायों के 116 लोग गिरफ्तार। नू हिंसा में जान गंवाने वाले होमगार्ड गुरसेवक फतेहाबाद के रहने वाले, अस्थायी ड्यूटी पर गुरुग्राम में थे तैनाती। नू पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया की वजह से भड़की थी हिंसा, 133 वाहनों को दंगाइयों ने आग के हवाले किया। नू हिंसा के बाद एक्शन में हरियाणा पुलिस, गुरुग्राम सहित 5 जिलों में धारा 144 लागू। गुरुग्राम के सेक्टर 70 में दुकानों में आगजनी, आज भी दिखी आग की लपटें, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अलवर के भिवाड़ी में कई दुकानों और में तोड़फोड़ की गई, बाद में पुलिस ने किया रूट मार्च, अलवर भरतपुर बॉर्डर पर आरएसी तैनात की गई। नू के भाजस गांव के गुरुकुल में भी घुसे थे दंगाई, मौजूद 30 छात्रों ने किसी तरह से जान बचाई थी। गुरुग्राम के बादशाहपुर में आरपीएफ जवानों का फ्लैग मार्च, पुलिस ने लोगों को दिया सुरक्षा का भरोसा। सोना में सुरक्षा बलों ने बनाई ह्यूमन चेन, 1.5 किलोमीटर लंबे रास्ते में चेन में खड़े आरपीएफ के जवान। नू में हिंसा के बाद मानेसर में बुलाई गई महापंचायत, भीष्म बाबा मंदिर में शाम को 4 बजे जुटेंगे लोग, मानेसर में बंद है इंटरनेट। नू में एसपी और डीसी से मिले जमीयत उलेमाए हिंद के लोग, कहा कि बेगुनाहों की गिरफ्तारी ना हो। जमीयत के मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की, कहा कि शांति कायम करना सरकार की जिम्मेदारी। दिल्ली के निर्माण विभाग में मेट्रो स्टेशन के बाहर बजरंग दल का प्रदर्शन, नू में हिंसा का विरोध जताया। बजरंग दल के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, ड्रोन से की जा रही है निगरानी। दिल्ली के गोंडा चौक पर भी बजरंग दल कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने जगह जगह लगाई बैरिकेडिंग। नू की घटना के बाद यूपी के मथुरा में पुलिस अलर्ट, लोगों के साथ की पीस मीटिंग, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में पुलिस की तैनाती। पुलिस की टीम सोशल मीडिया पर लगातार रख रही है नजर, लोगों को सोशल मीडिया से अलर्ट रहने की अपील की। हरिद्वार में भी सुरक्षा पर पुलिस प्रशासन ने की बैठक, जुलूस और शोभा यात्रा को लेकर मीटिंग हुई। नू हिंसा के कारण राजस्थान के भरतपुर में सतर्कता, 4 तहसीलों में कल सुबह तक इंटरनेट बंद। नू हिंसा पर बोले डिप्टी सीएम चौटाला, कहा कि दोषियों को देंगी कड़ी सजा, कहा कि आयोजकों ने प्रशासन को नहीं दी थी पूरी जानकारी। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बयान, कहा कि नूह से पहली बार शोभा यात्रा पर हमला हुआ है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने नूह हिंसा को लेकर प्रशासनिक विफलता बताया, कहा कि सरकार ने सतर्कता नहीं बरती। नूह हिंसा को लेकर मायावती ने भी हरियाणा सरकार पर हमला बोला, कहा कि मणिपुर की तरह ही हरियाणा में भी कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। नू हिंसा को फारूक अब्दुल्ला ने बताया दिल दहलाने वाला, कहा कि धर्म को लेकर लड़ना भारत के लिए अच्छा नहीं। नू हिंसा को पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा कि भगवान की यात्रा पर पथराव करना राक्षसों का काम। बाबा बागेश्वर ने कहा कि जब तक सोते रहेंगे सनातनी ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जाए। राष्ट्रपति मुर्मू से मिले विपक्ष के नेता, मणिपुर के मुद्दे पर 31 सांसदों ने मुलाकात की, ज्ञापन भी सौंपा। मुलाकात के बाद बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा कि प्रेसिडेंट मुर्मू ने सांसदों को दिया आश्वासन, हम सरकार से संसद में चाहते हैं चर्चा। मणिपुर को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से सांसद सुशील गुप्ता की मांग, कहा कि प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर की बात करें, ये वो शांति का रास्ता भी निकाले। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर अटैक, कहा कि मणिपुर जाने वाला विपक्ष राजस्थान बंगाल क्यों नहीं गया। लोकसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे से नाराज स्पीकर ओम बिरला ने आज सदन नहीं गए बिरला, कहा कि विपक्ष का बर्ताव सही नहीं। सदन में राज्यसभा सभापति धनखड़ से मिले नेता प्रतिपक्ष खड़गे, साथ में शरद पवार भी मौजूद रहे। संसद में खड़गे की अध्यक्षता में विपक्षी नेताओं की बैठक, शरद पवार और फारूक अब्दुल्ला समेत कई नेता पहुंचे। संसद में दिल्ली सेवा बिल का पास होना अब तय हुआ, YSRCP के बाद बीजेडी ने भी किया समर्थन, सरकार के पास बहुमत से ज्यादा संख्या। दिल्ली अध्यादेश पर बोले सांसद संजय सिंह, कहा कि बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है, संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। दिल्ली सर्विस बिल को बीजेडी इसके साथ ही YSRCP के समर्थन पर बोले राघव चड्ढा, कहा कि समर्थन करने वाले राष्ट्र विरोधी, हम लड़ेंगे संविधान की लड़ाई। आप नेता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर आरोप, कहा कि जरूरत पड़ने पर अपने सहयोगी बीजेडी और YSRCP को भी तोड़ देंगे बीजेपी वाले। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का आरोप, कहा कि यूपीए में सरकार के दौरान ध्वस्त हुआ टेलीकॉम सेक्टर, मोदी सरकार ने फिर इसे मजबूती दी। राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने पढ़े लाल डायरी के पन्ने, RCA में करप्शन का जिक्र किया, CM गहलोत के OSD राजीव खन्ना का भी नाम लिया। राजेंद्र गुड़ा का आरोप, कहा कि लाल डायरी पर ब्लैकमेल कर रही है गहलोत सरकार, मुझे जेल में डालेंगे तो मेरे
विश्वस्त देंगे सारी जानकारी। बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा के पर बोले राज्यपाल सीबी आनंद बोस, कभी भी शांति और सद्भाव बाधित होने पर मैं पीड़ितों से मिलूंगा। इंडिया गठबंधन पर तेलंगाना के सीएम केसीआर का अटैक, कहा कि कांग्रेस 50 साल सत्ता में रही लेकिन कुछ नहीं बदला। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले मेघालय कांग्रेस के नेता, राज्य में पार्टी गतिविधियों पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र विधानसभा में उठा संभाजी भिड़े का मुद्दा, विपक्ष ने भिड़े पर कार्रवाई की मांग की। मुंबई में सीएम शिंदे, अजीत पवार, फडणवीस के साथ विधायकों की बैठक, शाम को 7 बजे चुनावी तालमेल पर चर्चा की जाएगी। बिहार में जातिगत जनगणना पर प्रशांत किशोर ने दागा निशाना, कहा कि लालू नीतीश को जातीय जनगणना नहीं बल्कि जातियों की राजनीति करनी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये चाहते हैं कि सारा समाज हो अशिक्षित और अनपढ़, तभी वो नौवी फेल को भी लोग मानेंगे नेता। सीएम नीतीश पर पीके का आरोप, कहा कि आम लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए करवा रहे हैं सर्वे, जातीय जनगणना राज्यों के अधिकार क्षेत्र में नहीं। 1984 दंगे के मामले में जगदीश टाइटलर की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा गया, 4 अगस्त को दोपहर 3 बजे आएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 को लेकर आज से सुनवाई, 5 सदस्य संविधान पीठ रोज करेगी सुनवाई। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर बोले उमर अब्दुल्ला, कहा कि जो हुआ असंवैधानिक हुआ, हमें न्याय की उम्मीद। महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीएम मोदी ने किया संबोधन, कहा कि महिला सशक्त होती हैं तो दुनिया सशक्त होती है। संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की राष्ट्रपति का दिया उदाहरण, कहा कि महिला राष्ट्रपति कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व। ओमान में नेवी चीफ एडमिरल आर हरी कुमार डुकम पोर्ट पर INS त्रिकंद का जायजा लेने पहुंचे, सेलर्स को संबोधित भी किया। राजौरी में BRO के कई मेगा प्रोजेक्ट पर काम जारी, हाईवे 144 और 4 टनल बनाने के काम में जुटे हैं मजदूर। IIT रुड़की में G20 इंपैक्ट कमेटी के आलिशंग द पॉलिटिशियंस का आयोजन, CM धामी ने लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 2 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद बरामद, लश्कर से जुड़े हैं दोनों। पूर्व CM कमलनाथ के गृह क्षेत्र में होगी बागेश्वर बाबा की कथा, 5 से लेकर 7 अगस्त तक कार्यक्रम होगा। छिंदवाड़ा के सिमरिया में भव्य हनुमान मंदिर में होगी रामकथा, सिमरिया में कमलनाथ ने बनवाई है 108 फीट ऊंची हनुमान की मूर्ति। कांग्रेस सांसद नकुलनाथ ने लोगों से रामकथा में आने की अपील की, किराए पर ली गई है करीब 25 एकड़ जमीन, 1 लाख से ज्यादा लोग एक बार में सुन सकेंगे रामकथा। कोलकाता में बनाई जा रही है दुर्गा पूजा के लिए मूर्तियां, USA, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया डिलीवरी के लिए तैयार, फाइबर ग्लास से बनती हैं मूर्तियां। नॉर्थ ओडिशा के कई इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट, मछुआरों को समंदर में ना जाने की सलाह। हिमाचल के सोलन में लैंडस्लाइड, चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे 40 मीटर तक बही, ट्रैफिक बाधित। लखनऊ के कई इलाकों में तेज बारिश और मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। उज्जैन में बाढ़ से हालात खराब, नाजगिरी इलाके में सरकारी स्कूल में भरा पानी, बच्चों को पढ़ाई में हो रही है परेशानी। कोलकाता में भारी बारिश, कई इलाकों में भरा पानी, लेक गार्डन में सड़कों पर जलभराव। कर्नाटक में उडुपी के पुदुरबिदी में समुद्र तट पर तेजी से हो रहा है कटाव, CM सिद्धरमैया ने मौके पर जाकर जायजा लिया। कर्नाटक के उडुपी की छात्राओं ने CM सिद्धरमैया से बात की, आधा कोर्स पूरा होने की जानकारी दी। देवराज उर्स हॉस्टल की लड़कियों से बात करते हुए जयपुर एक्सप्रेस में कांस्टेबल की गोली से मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, SI को 4 जबकि 1 यात्री को 3 और 2 यात्रियों को 2-2 गोलियां मारी गई थी। मुंबई में बेस्ट बस कर्मचारी की हड़ताल, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधाओं की मांग, यातायात प्रभावित। नागपुर के इतवारी इलाके में 1,15,00,000 की लूट, हवाला व्यापारी के कर्मचारी से गन पॉइंट पर लूट की गई, CCTV में कैद हुई वारदात। विशाखापट्टनम में दर्दनाक हादसा, VIP रोड पर कार ने कई वाहनों को टक्कर मारी। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। आग लगती आसपास के घरों में खाली कराया गया, कई इलाकों में धुएं का गुबार दिखा। आग से किसी के जान को नुकसान नहीं, फैक्ट्री जलकर खाक हुई, आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं। हैदराबाद के हफसीगुड़ा इलाके में एक बिल्डिंग में आग लगी, इमारत में होटल और कपड़े को शोरूम को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भूकंप के झटके महसूस किए गए, तीव्रता 5 आंकी गई। MP के दमोह में बैंक के सामने गाड़ी से पैसे चुराने की कोशिश, आरोपी को लोगों ने पकड़ा पिटाई की। जम्मू कश्मीर के संभल में सरकारी स्कूल में गांव वालों ने ताला लगाया, स्कूल की हालत जर्जर होने की वजह से फैसला लिया। स्कूल के कई कमरों में आई दरारें देखते हुए फैसला, लोगों ने स्कूल की बिल्डिंग के लिए सरकार से मांग की। थाने के शाहपुर हादसे पर मरने वालों की संख्या 20 हुई, गार्डन लॉन्चिंग मशीन गिरने से हादसा हुआ था। केरल के मल्लापुरम में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत, पुलिस मामले में जुटी। UP के हरदोई में बाल सुधार गृह से 15 बच्चे बीमार पड़े, अस्पताल ले जाया गया। वडोदरा में आर्थिक तंगी से परेशान परिवार ने की सुइसाइड, मां बेटे की मौत से बच गया परिवार का मुखिया।
छतरपुर में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल, 2 किलोमीटर तक चारपाई पर प्रेग्नेंट महिला को ले जाएगा। सूरत के उमरपाड़ा इलाके में बना इको फ्रेंडली पुलिस स्टेशन, यूनिक आइडिया का है इस्तेमाल। 2023-24 के लिए 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 6,77,00,000 लोगों ने भरा है ITR। पिछले साल की तुलना में 16.1% ज्यादा लोगों ने ITR भरा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 53,67,000 लोगों ने पहली बार ITR भरा है। इस पिछले वित्त वर्ष की बात की जाए तो 5,83,00,000 लोगों ने आयकर भरा था। GST कलेक्शन में जुलाई में आया बड़ा उछाल, 1.65 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कहा कि आने वाले 5 साल में दुनिया की नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगी। केंद्रीय मंत्री ने ट्रकों में AC कैबिन अनिवार्य करने का भी ऐलान किया, कहा कि काम के घंटे तय करने की योजना पर कर रहे हैं काम। सर्कुलेशन में चल रहे 2000 के 88% नोट वापस आए, RBI के मुताबिक 3,14,000 करोड़ है इसकी वैल्यूएशन। एयर फ्यूल 7,720 रुपये प्रति किलोलीटर महंगा हुआ, एयर टिकट के दाम बढ़ सकते हैं। अमेरिकी कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जोरदार झटका दिया, ट्रंप पर लगा संयुक्त राज्य अमेरिका को धोखा देने का आरोप। डोनाल्ड ट्रंप का गवाहों ने इससे छेड़छाड़ करने और नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ साजिश रचने का भी आरोप लगा। चीन में बाढ़ बारिश का कहर, बाढ़ से करीब 20 लोगों की मौत, 27 से ज्यादा लोग लापता, कई इलाकों में भूस्खलन की खबरें। राजधानी बीजिंग में भारी बारिश की वजह से घरों में भरा पानी, कई जगहों पर टूटी सड़कें। बाढ़ की वजह से रेलवे स्टेशन बंद, बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को लाया जा रहा है स्कूल और जिम। मोंटेगो जिले में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें बनी दरिया, दर्जनों गाड़ियां बही। इटली में जंगल की आग से निपटने के लिए विमान तैनात, दक्षिण इटली के फायर फाइटर्स की तैयारी। जंगल की आग से लड़ने के लिए कैनेडायर जल विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। इसरीनिया और वेनफ्रो से 37 हेक्टेयर जंगल नष्ट हुए हैं। अमेरिका के विस्किनसन में हुए विमान हादसे में पूर्व NFL खिलाड़ी की बेटी और उसके को पायलट की मौत, अब तक 4 लोगों की जान गई। जोहान्सबर्ग के आसमान में चमकता दिखा सुपरमून, 2 सुपरमून में से 1 सुपरमून दिखा, पिछली बार 2018 में एक ही मून में दिखे थे 2 सुपरमून। भारत ने तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज को 200 रन से शिकस्त दी, 3 मैचों की सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया। भारत ने वेस्टइंडीज को जीत के लिए 352 रन का टारगेट दिया था, वेस्टइंडीज की टीम 151 पर ढेर हुई। भारत के लिए ओपनर शुभमन गिल और ईशान किशन ने शानदार शुरुआत दिलाई, गिल ने 85, ईशान ने 77 रन बनाए। कैप्टन हार्दिक पांड्या ने नाबाद 70 रन की पारी खेली, संजू सैमसन ने 51 रन बनाए। मुकेश कुमार ने वेस्ट इंडीज को दिए थे शुरुआती झटके, किंग मेयर्स के बाद कप्तान होप को किया आउट। टीम इंडिया के लिए शार्दुल ठाकुर ने 4 विकेट लिए, कुलदीप यादव को 2 विकेट और जयदेव को भी 1 विकेट मिला। वेस्ट इंडीज की शुरुआत बेहद खराब रही, 17 रन के स्कोर पर 3 विकेट गिरे, 151 रन पूरी टीम ढेर हो गई। शुभमन गिल मैन ऑफ द मैच बने, ईशान किशन प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच के दौरान विराट कोहली को फैंस ने किया मिस, मैदान में लहराए पोस्टर्स। ICC ने वर्ल्ड कप के लिए पोस्टर रिलीज किया, वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ 10 टीमों के कैप्टन भी नजर आ रहे हैं। मशहूर और डायरेक्टर नितिन देसाई ने खुदकुशी की, आर डायरेक्टर नितिन देसाई ने करजत के नज़दीक खालापुर रायगढ़ में उनके स्टूडियो में डेड बॉडी मिली। हिंदू चंदू चैंपियन में कार्तिक आर्यन का फर्स्ट लुक आया सामने, छोटे बाल में इंडिया का ब्लेजर पहने दिख रहे हैं कार्तिक। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने मुंबई में अपने घर पर पूजा की, कई पंडितों के द्वारा विधि विधान से पूजा करवाई गई। ओ माई गॉड 2 को मिला है ए सर्टिफिकेट, सेंसर बोर्ड ने 25 बदलाव करने के लिए सुझाव दिए हैं, अक्षय को शिव की जगह शिव भक्त दिखाने को कहा। फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की सक्सेस पर आलिया ने फैंस को किया शुक्रिया, कहा कि रणवीर सिंह के साथ शेयर की फोटो। अनन्या पांडे और आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ, आयुष्मान खुराना की अदाएं करेंगी मदहोश। फिल्म जवान के लिए शाहरुख खान का दिखा डेडिकेशन, 5 दिन में की फिल्म के गाने की जिंदा बंदा की शूटिंग।